हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल की डेट में देखिए, यहाँ पर कल की डेट में, परसों की डेट में और दो तीन दिन के अंदर अंदर आपको इतने सारे स्टॉक्स बताए हैं कि आज की डेट में वो शेयर भाग गया। देखिए, कल की डेट में दो स्टॉक्स बताए थे, मॉर्पन लैब, मैक्सन फार्मा। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्पन लैब आज 5% से ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया, मैक्सन फार्मा लगभग 10% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें आरती सर्फेक्टेंट की, वो यहाँ पर 3-4% भागता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मैक्स हेल्थ केयर शेयर होगा 500 रुपए, तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर निकाल लेते हैं, 10% यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया। दो चार पांच दिन पहले ही यहाँ पर एक शेयर से रिलेटेड बातें करी गई थी, तो यहाँ पर उस शेयर का नाम क्या था, यहाँ पर जयप्रकाश की बात करी गई, अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर और भी बहुत शेयर यहाँ बताए गए, वो भागते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर आपको सीखना है और सीख के आपको काम करना है, मेरा हमेशा से कहना यही रहता है। देखिए, आप दूसरे लोगों के ऐसे जाके वीडियोस देखते हैं, हमारी वीडियोस को भी जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप क्या, आपको एग्जैक्टली क्या नॉलेज मिल रही है। आपको लोग बेकार बेकार स्टॉक्स बताते हैं, ओके, वो छोटे छोटे स्टॉक्स बताते हैं, तो आप वहां पर ट्रैप हो सकते हैं। तो आज की डेट में आपको एक बेहतरीन स्टॉक्स बता रहा हूँ, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स है, पहले ही बता देता हूँ। ज्यादा पैसा लगाना नहीं है, वो भी बता देता हूँ, बट अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके ही आपको यहाँ पर कोई भी पोजिशन लेनी है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और दूसरे वीडियोज को भी जाके देखिए, सीखने का मौका मिलेगा। स्टिल अभी बहुत सारे स्टॉक्स है जो चले नहीं है, यहाँ पर वो स्टॉक भागने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्लेलिस्ट की बात करें, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को भी गो थ्रू करिए तो आपको पता चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर उस स्टॉक से रिलेटेड, बाकी लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड भी यहाँ पर वीडियो 222 रुपए बनाई गई थी, आज 10% 222 से यहाँ पर 322 हो गया, लगभग 45% के रिटर्न दे दिए। तो यहाँ पर इस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड आज बातें कर रहे हैं, उसका नाम है वेरिटास इंडिया। वेरिटास, मैं ऑलरेडी बार बार बता रहा हूँ कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स है, ओके। यहाँ पर आपको पैसा बेहतरीन मिलेगा और यहाँ पर गिरने के भी चांसेस बहुत रहेंगे। तो यहाँ पर अगर जिसको रिस्क लेना आता है ना, वो यहाँ पर उसे रिस्क ले सकता है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, वेरिटास इज फोकस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, पेपर्स एंड पेपर्स, बोर्ड्स, रबर, हैवी डिस्टाइलेट्स, मतलब ये इन पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। एक बार इनकी वेबसाइट पर अगर हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, मतलब इन्हीं सब चीजों में ये काम करता हुआ दिखाई देता है। तो डाइवर्सिफाइड इनका एक बिजनेस पोर्टफोलियो हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेडिंग में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, पावर जनरेशन में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर पावर जनरेशन का काम क्या है और पावर जनरेशन यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है आगे के टाइम में। तो इसलिए यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर बुलिश है ऐसे स्टॉक्स में। यहाँ पर आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी ये काम करता है, पावर जनरेशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रेडिंग, यहाँ पर आईटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेशन या बिजनेस प्रोसेस, मतलब ये कंपनी इन सभी चीजों में काम करती हुई नजर आती है। तो एक बार इनकी वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर लीजिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है। बट हम मेन पॉइंट्स में आते हैं और बात करते हैं यहाँ पर इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले मार्केट कैप है 412 करोड़ रुपए का, और ये कंपनी केवल BSE पर लिस्ट है। तो आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि कल की डेट में मार्केट जो गिर रही थी 3-4 दिन से, कुछ रूल्स की वजह से गिर रही थी जो BSE ने बनाए थे। तो BSE ने जो रूल्स बनाए थे उसके अंडर में ये, आई थिंक ये कंपनी आती है, क्योंकि एक तो 1000 करोड़ रुपए से यहाँ पर नीचे है ये कंपनी, और ये भागती भी तेज है, गिरती भी तेज है। तो शायद इस वजह से इसका इफेक्ट इस कंपनी पे आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात की बात करें, मार्केट जो इसका करंट प्राइस है लगभग 150 के आसपास, 152-153 के आसपास है, और इसका जो अपर सर्किट लोअर सर्किट की लिमिट है वो भी 1% के आसपास ही है, इस चीज को याद रखिए। बुक वैल्यू की बात करें, 736 रुपए की बुक वैल्यू है। तो यहाँ पर समझ रहे कितनी अपॉर्चुनिटी है, 154 का शेयर, 736 रुपीज का शेयर 154 रुपीज में यहाँ पर मिल रहा है। तो बिग अपॉर्चुनिटीज है। ROC यहाँ पर कुछ खास नहीं है, बट बात करें डेट की, डेट भी यहाँ पर ना के बराबर, 14% का डेट है। इसके अलावा प्लेजिंग की बात करें, 0% की यहाँ पर प्लेजिंग है। इंट्रेंसिक वैल्यू भी 622 रुपए की यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो सब चीज यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड अच्छी खासी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ इसमें एंट्री लेने की, थोड़ा सा रिस्क लेके देखते हैं, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा बहुत करके, अगर कुछ लगता है तो। यहाँ पर बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स यहाँ पर देखिए, 2018 की सेल्स को यहाँ पर एक बार अगर हम हटा दें, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर या तो सेम सेल्स रही है या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब एक ही
दायरे में यहाँ पर कंपनी पिछले अगर हम बात करें 12-13 क्वार्टर्स की, तो एक ही दायरे में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर उसी दायरे में मतलब एक ही दायरे में मतलब पॉजिटिव, कम से कम पॉजिटिव कैश यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। ये एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज जो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर है क्योंकि कंपनी मल्टीपल चीजों में काम करती नजर आती है। सेल्स की अगर हम बात करें तो 219 करोड़ की सेल्स थी 2010 में, और बात करें 11 साल के अंदर अंदर तो कंपनी ने 1876 करोड़ की सेल्स में बदल दिया। मतलब कंसिस्टेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस है इस कंपनी का, और यहाँ पर 8 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 163 पे पहुंच गया, हाईएस्ट एवर। एज वेल एज नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी पिछले 2 साल से हाईएस्ट एवर आ रहा है। तो ये सब चीजें क्या बता रही है आपको, ये सब चीजें बता रही है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी बेहतरीन है। ओके, इसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है। स्टैंड अलोन भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो स्टैंड अलोन भी देखते हैं तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंड अलोन एक पर्टिकुलर बिजनेस, बट यहाँ पर मल्टीपल डाइवर्सिफाइड यहाँ पर पोर्टफोलियो है, तो कंसोलिडेट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एज वेल एज रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व 79 करोड़ से 1971 करोड़ हो गए, तो कंपनी को काम करना आता है। बोरिंग की बात करें, बोरिंग यहाँ पर इनकी 10,000 मतलब 1,000 करोड़ तक हो गई थी लगभग, और अभी यहाँ पर 272 करोड़ कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर घटाते हुए नजर आ रहे हैं। फिक्स एसेट यहाँ पर 9 करोड़ से 1982 करोड़ हो गई है, ये यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में 339 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हुए हैं, एज वेल एज ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, और कैश फ्लो 46 करोड़ रुपीस का है, और लोन एंड एडवांस घटते हुए नजर आ रहे हैं जो कि अच्छी बात है। और बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो जो भी आता है यहाँ पर बुक में दिखाई देता है, 144 करोड़ का यहाँ पर कैश फ्लो है। और इसके अलावा हम बात करें एक और चीज की, प्रमोटर्स, प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें कंसिस्टेंसी के साथ रख रखी है, बल्कि यहाँ पर अगर हम बात करें 2019 मार्च से यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं अपनी होल्डिंग को। FIs की बात करें, FIs यहाँ पर बुलिश है, 9.7% की हिस्सेदारी ले रखी है यहाँ पर, पिछले 12 क्वार्टर में इन्होंने भी इस तरीके की हिस्सेदारी ले के रख रखी है एक ही ग्रुप ने। इसके अलावा बात करते हैं पब्लिक की, तो यहाँ पर पब्लिक की भी बात कर लेते हैं, तो पब्लिक की देख लीजिए, पब्लिक के पास यहाँ पर 25% की हिस्सेदारी दिखा रहा है, बट ये एग्जैक्टली 25 नहीं है। यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स ने, अलग अलग कंपनीज ने, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर देखिए 11%, 3%, 3%, 1%, 1%, अगर इसे आप काउंट करेंगे तो लगभग लगभग ये कितना हो जाता है, 17-18% के आसपास हो जाता है। यहाँ पर देखिए 11 और 3 15 14 15 16 18 19 20, हाँ तो वही 20-21% के आसपास हो जाता है। तो लगभग 4% की हिस्सेदारी ही यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पर 4% के शेयर ही यहाँ पर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो 4% के शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑपरेट बहुत ज्यादा एक्टिव है कंपनी। यहाँ पर लिस्ट हुए आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अगर हुआ है काफी, 2008 में यहाँ पर लिस्ट हुई है। इसके बाद कंपनी यहाँ पर देखिए 2010 में यहाँ पर 809 रुपए पे ट्रेड कर रही थी, और उसके बाद से कंसिस्टेंट मतलब भागती है गिरती है, भागती है गिरती है, इस तरीके का शेयर है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स है और यहाँ पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। बट अगर चार्ट पैटर्न यहाँ पर जब इसके फाइनेंशियल देखते हैं, बुक वैल्यू देखते हैं, जब इनके इसके सारे के सारे यहाँ पर इसके ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी अच्छी खासी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ चीज की, तो इसके आई थिंक रिजल्ट है आजकल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर देखते हैं। और रिजल्ट मुझे लगता है कि इस बार के रिजल्ट ठीक ठाक ही आने हैं, बेकार नहीं आने। 13 अगस्त मतलब कल के दिन में इसके यहाँ पर रिजल्ट है, क्वार्टरली बेसिस पे तो रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद थोड़ा सा कम है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। बाकी क्योंकि इनके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो कुछ सेक्टर के पोर्टफोलियो काम अच्छा होगा, कुछ सेक्टर का थोड़ा कम होगा, लेसली क्या होता है कल की डेट में। बट अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट पैटर्न में आपको साफ दिख रहा होगा क्या दिख रहा है, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। कैसे पता लगा, तो यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर जब से हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको, यहाँ पर 2009 से पहले यहाँ पर से ऑपरेटर ऊपर ले गए, अपर सर्किट लगा के, लोअर सर्किट लगा के नीचे लगा, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, अपर लोअर, अपर लोअर, तो अगर बात करें फिर अपर सर्किट लगाए, फिर यहाँ पर जो ये गिराया गया है पेंडेमिक के टाइम पे यहाँ पर लोअर सर्किट लगाते हुए गिराया गया है 170 रुपए का स्टॉक, और फिर उसके बाद यहाँ पर अपर सर्किट में ही इसे ऊपर ले गया जा ले जाया जा रहा है, और इसे लोअर सर्किट में फिर दोबारा नीचे ले जाया जा रहा है। तो अगर बात करें 150 के आसपास ये शेयर चल रहा है, ओके यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है नीचे, ऊपर जाता है नीचे। तो इसमें जो स्मार्ट इंसान होगा
ओके वो यहाँ पर बड़ा बड़ा पैसा कमा सकता है, बट जो स्मार्ट इंसान का मतलब क्या है कि स्मार्ट ट्रेडर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको टाइम से निकलना होगा, आपको टाइम से ही यहाँ पर एंट्री लेनी पड़ेगी। और वो कैसे पता करें, तो आपको बीच में ही एंट्री लेनी पड़ेगी और बीच में ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके यहाँ पर निकलना होगा, तो ये आप काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लॉस के भी चांसेस है और यहाँ पर अगर बात करें हम प्रॉफिट के भी बहुत बड़े चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर इनकी बैलेंस शीट है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। और यहाँ पर देखे तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी लोअर सर्किट में ये शेयर चल ही रहा है। यहाँ पर इसने अगर बात करें यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ये दिखाई दिया था ऊपर के लेवल पर, अभी 190 के आसपास जो कि इसने पहले भी लिया था, तो एक कप हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और बुक वैल्यू भी अच्छी खासी है इसकी, तो देखते हैं अभी कितना नीचे जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई एक एक शेयर हर एक दिन खरीदता रहे, ओके, और जब जब यहाँ पर अपर सर्किट लगता रहे, ओके, तो उस दौरान जब आपका एक प्राइस निकल जाए तो उसमें एक एक शेयर डेली बेचता रहे, तो इसमें आपका घाटा भी नहीं होगा, प्रॉफिट में आप शायद ज्यादा रहते हुए नजर आएंगे। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, यहाँ पर ये 2400 रुपये से यहाँ पर नीचे नहीं जाना, क्योंकि एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, सेम यहाँ पर सपोर्ट लिया है और बाकी बुक वैल्यू अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, मुझे तो यहाँ पर पसंद आ रहा है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं एक एक शेयर लेके इस तरीके से खेल के देखते हैं। आप जाएंगे, अगर लॉस होगा तो थोड़ा सा लॉस होगा, बट अगर प्रॉफिट हुआ तो माशाल्लाह काफी बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ ऊपर वाले की दुआ से हमें होता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, बट ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, और बाकी यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर लेना है। कंपनी का नाम है वेरिटास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वेरिटास इंडिया लिमिटेड। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे, बाकी कमेंट्स भी करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।